नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश यादव। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर किया गया। पूर्व से ही धरना प्रदर्शन कार्यक्रम निर्धारित था, जिसके क्रम में जनपद में पुलिस मुस्तैद रही। जनपद के समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं के घर स्थानीय थाना क्षेत्रों की पुलिस सुबह से ही पहुंचकर उन्हें एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जनपद के कई सपा नेताओं को पुलिस उनके घरों पर ही रोकने में तो सफल रही, बावजूद इसके काफी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंच गए, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया। कई सपा नेताओं को हिरासत में भी लिए जाने का मामला प्रकाश में आया। देखें ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मद्देनजर सपा कार्यकर्ता आज गोरखपुर में धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। उधर धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए जनपद के सभी क्षेत्रों की पुलिस भी मुस्तैद थी। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलने से पूर्व ही जनपद के कई प्रमुख सपा नेताओं के घर पुलिस पहुंच गई और उन्हें धरना प्रदर्शन स्थल पर जाने से रोक दिया गया। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं की आगे पुलिस की चौकसी भी बहुत काम नहीं आई और धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान पर काफी संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंच गए, लेकिन सपा के कुछ नेता पुलिस की मुस्तैदी के कारण अपने अपने घरों पर ही रहने के लिए विवश भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में काफी संख्या में पहुंचे सपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें रोकने का पुलिस ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। फिर पुलिस द्वारा सपा नेताओं को हिरासत में लेने की खबर भी सामने आई। विधानसभा चौरी चौरा के सपा नेता व जिला उपाध्यक्ष अमित सिंह सैतवार व सपा नेता दिलीप यादव को पुलिस द्वारा घर से निकलने नहीं दिया गया। वहीं सपा के जिला उपाध्यक्ष मुन्नीलाल यादव के घर भी सुबह ही पुलिस पहुंच गई, ताकि ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सम्मिलित न हो सके, लेकिन वे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंच गए, जहां पर प्रदर्शन के दौरान उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सर्वोच्च दर्पण यूट्यूब चैनल पर अपडेट सभी खबरों को अपने मोबाइल पर पाने के लिए सर्वोच्च दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वो बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही हमारी खबरों को यूट्यूब पर देखने के लिए ओम प्रकाश यादव रिपोर्टर लिखकर सर्च करें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वो बेल आइकन दबाएं। अब तक के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।